दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आईफोन्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। नो मैटर आपके पास आईफोन 6 हो या फिर आईफोन 12 प्रो मैक्स हो, ये जो प्रॉब्लम है ये हर एक आईफोन में आपको देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग या फिर हीटिंग। दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनके कारण हमारे आईफोन्स हीट करते हैं या फिर ओवर हीटिंग का इशू इसमें हमको देखने को मिलता है। तो क्या है वो रीजंस और इससे हम कैसे बच सकते हैं, सारी ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों बेसिकली ओवर हीटिंग से हमारे फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे आईफोन्स में या फिर किसी भी फ़ोन में लायन बैटरी यूज़ की जाती है जो कि ओवरहीटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है, जिससे आपकी बैटरी हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बैटरी हेल्थ काफ़ी जल्दी ड्रेन हो सकती है। ना सिर्फ बैटरी हेल्थ बल्कि इसके और भी सारे नुकसान हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा फ़ोन जो है वो 80% से ऊपर चार्ज करना बंद कर देता है, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ओवरहीटिंग होती है। बेसिकली इसके दो तीन रीजंस हैं, जिसमें से पहला है सीपीयू एंड जीपीयू। जब आप काफी ज्यादा हैवी टास्क करते हो, जब आपके फोन को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, सीपीयू जीपीयू को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, तब हीटिंग का इशू हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हो जो कि काफी ज्यादा गर्म है और आपका फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनली भी गर्म है और उसको बाहर से भी एटमॉस्फेयर गर्म देखने को मिलता है, तो होती है ओवरहीटिंग का इशू। और इसके अलावा एक तीसरा रीज़न चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई इंटरनल फॉल्ट हो, या तो बैटरी इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुआ, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि आपको क्या स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि वो सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करनी है। इसके बाद मैं आपको कुछ स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करने हैं, और इसके बाद सबसे आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपका जो ओवरहीटिंग का इशू है ये पूरी तरीके से चला जाएगा, और अगर आएगा भी तो आप बहुत ही अच्छे से उसको टैकल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं सबसे पहले सेटिंग्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, और इसके बाद आपको मोबाइल डेटा पे क्लिक करना है। मोबाइल डेटा पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि मेरे यहाँ पे दो सिम है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो जो भी आपकी सिम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी ले लेते हैं, तो इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पर टैप करना है सिंपली, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिक पे टॉगल ऑन किया हुआ है। इस ऑप्शन को आपको ऑफ करना है। ओके, यहाँ पे जितने भी नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे जितने भी टॉवर्स का नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है वो सब मुझे शो कर रहा है। तो अब मेरी जो सिम है वो मुझे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरी एयरटेल की सिम है तो मैं यहाँ पे एयरटेल सेलेक्ट कर लूँगा। अब बेसिकली इससे होगा ये बेसिकली अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो, अगर आप नेटवर्क ज़्यादा यूज़ करते हो और स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। बिकॉज आपका फ़ोन क्या करता है, जब भी ये ऑटोमेटिक पे होता है तो हर वक्त दूसरा टावर ढूंढता रहता है कि इससे बेटर सिग्नल वाला कोई दूसरा टावर तो नहीं है। इसीलिए जब भी आप ऑटोमेटिक पे रखते हो तो ये प्रोसेस बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो ये सेटिंग्स जैसे ही आप अप्लाई कर लोगे, आपका फ़ोन जो है वो ये प्रोसेसिंग करना बंद कर देगा और उसी नेटवर्क पे स्टिक हो जाएगा। अब अगली सेटिंग बता देता हूँ आपको। सिंपली सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको जनरल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आपको इस बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर देना है। बेसिकली बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते होगे कि ये बैकग्राउंड में ऐप को रिफ्रेश करता है जिसमें हमारा मोबाइल डेटा काफी सारा यूज हो जाता है। को अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपका मोबाइल डेटा ज्यादा यूज नहीं होगा। एंड यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, सब अपने से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दोगे तो बहुत ही कमाल का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग्स के लिए हमको यहाँ पे प्राइवेसी में क्लिक करना है। प्राइवेसी के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन सर्विसेज देखने को मिल रही होगी, ये आपको ऑन देखने को मिल रही होगी। सिंपली इसको ऑफ कर दो। लोकेशन सर्विसेज ऑन करने से आपको अपने बैटरी बैकअप पे बहुत ही बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। आपका जो फोन है इसकी प्रोसेसिंग जो पीछे से बैकग्राउंड में काम करता है, लोकेशन सबसे ज्यादा बैटरी खाती है। लोकेशन अगर आप ऑन करते हो मैप्स वगैरह, आपका फोन सबसे ज्यादा हीट होता है। तो अगर आप इस लोकेशन सर्विस को ऑफ कर दोगे तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो भी यहीं पे प्राइवेसी में ही है। आपको सिंपली प्राइवेसी में क्लिक करना है, और आपको सबसे नीचे यहाँ पे मोशन एंड फिटनेस दिख रहा होगा। सिंपली इस पे टैप करो, और आप देख रहे होगे कि फिटनेस ट्रैकिंग जो है वो ऑन है। सिंपली इसको टॉगल ऑफ कर दो तो आपके फोन के जितने भी सेंसर्स हैं जो मोशन डिटेक्ट करते हैं, जब भी आप चलते हो रनिंग वगैरह करते हो तो ये सारी चीजें जो फोन डिटेक्ट करता है ये सब बंद हो जाएगी। जितने भी सेंसर्स है सब काम करना बंद कर देंगे, जिसकी मदद से आपका जो फोन है वो काफी
काफ़ी कम हीट देगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले आपको इतनी सारी हीट दे रहा था। तो दोस्तों अगर ये सेटिंग्स आप अप्लाई कर लेते हो तो आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें थी जो भी मैंने सेटिंग्स बताई ये काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में काम करती हैं जिसकी वजह से हमारे फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर ये सब बंद कर देते हो आप तो बहुत हद तक आपका हीटिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि अब मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं आपको जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका हीटिंग का इशू है, अगर आपको हीटिंग का इशू हो रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको सिंपली आपको करना है कि आपको अपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि अभी लास्ट अपडेट में भी iOS 14.5 में iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max के लिए स्पेशली एक अपडेट रिलीज हुआ है जिसमें उनकी बैटरी हेल्थ को रिकैलिब्रेट किया जा रहा है। इसी टाइप से काफ़ी सारे छोटे मोटे बग्स होते हैं जो iOS हर अपडेट के साथ फिक्स करता जाता है। अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि वो अप टू डेट रहें, ताकि क्योंकि हर अपडेट में वायरस बग्स वगैरह काफ़ी कुछ फिक्स हो जाता है तो आपका प्रोटेक्शन सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद अगर आपको ये सारे स्टेप्स करने के बाद भी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल हीटिंग का इशू हो रहा है तो आपको रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको अपने फ़ोन को पूरी तरीके से रीसेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना डेटा जो है वो किसी पीसी में या फिर आई क्लाउड में आप सेव कर सकते हो अगर कम है तो। इसके बाद सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है, जनरल पे जाना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे शट डाउन दिखेगा, उसके ठीक ऊपर आपको रीसेट का बटन दिखेगा। यहाँ पे टैप करने के बाद इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स पे टैप करना है और यहाँ से आपको इरेज नाउ पे क्लिक कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी डेटा किसी फोटो में या फिर किसी एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करते हैं तो हमको ऐसा इशू देखने को मिलता है कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है तो और वो हमको पता नहीं चलता है। तो अगर आप फैक्ट्री रीसेट सेटिंग करते हो तो काफ़ी बड़े चांसेस हैं कि आपका ये जो इशू है हीटिंग का ये सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर तभी भी नहीं होता है दोस्तों तो आपका अब एक आखिरी और एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है, DFU मोड में आपको अपने फ़ोन को रीस्टोर करना पड़ेगा। दोस्तों बेसिकली ये करता ये है कि ये आपके सॉफ्टवेयर को रीस्टोर कर देता है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ बग आ चुका है, अगर वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। दोस्तों DFU मोड में अपने आईफोन को रीस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। उसके लिए आपको एक लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें iTunes इंस्टॉल होना चाहिए। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दिया है। ऊपर इधर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको हर एक चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी और कैसे क्या करना है। और दोस्तों ये एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है। अगर आप एप्पल स्टोर पर भी जाओगे, सर्विस सेंटर पर भी जाओगे और उनको अगर दिखाओगे अपना फ़ोन तो सबसे पहले वो यही चेक करते हैं कि अगर इसमें कोई सॉफ्टवेयर इशू होगा तो वो DFU मोड में रिस्टोर करने से ठीक हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन वो यही करते हैं और 60-70% टाइम्स वो यही करके आपको आपका फ़ोन वापस दे देते हैं। तो इसके लिए पूरी डिटेल आपको ऊपर इधर आई बटन में उस वीडियो में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हो, DFU मोड में रिस्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अब आपका जो हीटिंग इशू है वो नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी अब मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहली टिप ये है कि हमेशा अपने फ़ोन का जो केस है इसको रिमूव करके चार्ज किया करो, बिकॉज कभी भी अपने फ़ोन को केस के साथ चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को केस के साथ चार्ज करते हो तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जब भी आपका फ़ोन ओवर हीट हो जाता है आपको दो स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले उसको फोर्स रीस्टार्ट करना है, यानी कि वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन देन पावर की को प्रेस करना है और इसको पावर की को प्रेस किया हुआ रहना है। ओके, आप कुछ सेकंड्स में देखोगे कि आपका फ़ोन जो है वो पावर ऑफ हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये फोर्स रीस्टार्ट हो चुका है। फोर्स रीस्टार्ट करने के साथ आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, इसको आप अगर आपका फ़ोन वाटर रेसिस्टेंट है तो आप इसको टैप वाटर में वॉश कर सकते हो। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो जो टैप वाटर है वो डायरेक्ट आपके स्पीकर्स में ना जाए, हमेशा अपने फ़ोन को उल्टा करके वॉश करना तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी अपने फ़ोन को ठंडा कर पाओगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये था आज हमारा वीडियो, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।